हे देवी, मैं कार्तिक मात्यम का 10वां अध्याय का पठन शुरू कर रहा हूँ। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। अब कृपा करें आप ये कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल भो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोकपितामय ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्थिति की फिर कहा, हे पितामह, ये बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि ये बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक खोल कहता हूँ। मेरी आँखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। ये पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इसमें ये सब शास्त्रों का पारंगत महापराक्रमी महावीर जवान और रणदुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। ये कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ होगा। जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदुभाषिणीता, शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर ने ये कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर काल ने नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वे दैत्यों पर राज्य करने लगा। बोलो 10वें अध्याय के महात्म की जय। हे देवी, मैंने कार्तिक महात्म के 10वें अध्याय का तुम्हारे सामने पठन किया है, इसको ग्रहण करना।